हेलो फ्रेंड्स, सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा कम सब्सक्राइबर है, 5-6 के भी मात्र होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इससे ज़्यादा टच करेंगे तो आप ये चैनल खोजते रह जाइएगा, जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने ना भूलें। एक सब्सक्राइब आपकी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकता है, तो ध्यान दें। आज मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, 3 ओम क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान देखिए, 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी कर्म संयोजन तथा पार्श्व कर्म संयोजन में जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर मैट्रिक में टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या 400 अंकों लाना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता होगा पूरा झारखंड के राजमहल प्रखंड में सबसे ज़्यादा सजेशन मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर बुधबरिया में जो है वहीं पे सबसे ज़्यादा टच करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ से आप पता भी कर सकते हैं और यह पिछले साल का रिकॉर्ड भी आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ से कितना विद्यार्थी टॉप करते हैं। 400 का तो पूरी भरमार हो जाते हैं। और ये जो है, एक बार पिछले वर्ष का जो है योगेंद्र कुमार नाम का एक लड़का टॉप किया था, उससे पहले एक लड़का डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया था, यही साहिबगंज जिला का ही लड़का है जो मेरा घर के बगल का है, वो लड़का ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया था। तो उसको सजेशन देने में मैं अहम भूमिका निभाया था, उसे सजेशन दिया था और आराम से वो घर में बहुत कठिन परिश्रम करके वह डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया था। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता होगा कि ये सब्सक्राइब कराने या व्यू बढ़ाने के चलते ये सब भाषण कर रहे हैं, ये सब हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल समझा देते हैं, आपको इच्छा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। या एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि अगर मेरा सजेशन में इसमें मिलने वाला है, एक से यानी कि 1 महीना बाद आपको पूरी तरह से हर विषय का सजेशन, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर विषय का सजेशन मिल जाएगा। और आपको कोई भी वीडियो जैसे LHS से RHS, RHS से RHS प्रूव्ड करना है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें कहीं भी किताब हो या कोई भी टीचर हो, एक नियम से बताया होगा। लेकिन आप शुरू से ही अगर आपको चेक करना है या विश्वास दिलाना है तो मेरा चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, LHS RHS भी मैं दोनों साइड से प्रूव्ड किया हूँ ताकि बच्चा किसी तरह से समझ सके। आपको पता होगा यहाँ से आज तक बच्चा, आपको हम बता देते हैं या कन्फर्म कर देते हैं, साहिबगंज जिला में यहाँ से आज तक बच्चा कभी भी रिकॉर्ड है, पिछले 7 साल में एक भी बच्चा फेल नहीं किया है। आपको पता होगा पिछले साल लगभग 72 विद्यार्थी में कोचिंग, मतलब बैच बाय बैच चलते हैं, पहला बैच में 72 में से 65 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। फेल का तो यहाँ पर कोई गुंजाइश ना है। 400 आप भैया हम बोल रहे हैं, एक भी, इतना याद रखिएगा, 400 लाना बिल्कुल आसान है। इसका मेन वजह है कि आपको सिलेबस जो चेंज हो गया है, 80-80 नंबर यानी 80-80 अंक के पूछे जा रहे हैं हर विषय में, तो आपको 20-20 यानी 100 नंबर या 95-96 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिल ही जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बात की सुनिए, अब ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। ठीक है, हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से, जो सिलेबस चेंज हो गया है उससे विद्यार्थी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं है। आपको एक बात ध्यान देना है कि परेशानी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मेन वजह है और भी आसान हो गए हैं। इसका मेन वजह क्या है हम बता देते हैं, आपको सिलेबस सही से पता नहीं है। इस बार सिलेबस में क्या कर दिया है कि हर चीज़, आपको ये चीज़ पता होगा या नहीं होगा, अगर आप 10th में पढ़ते हैं, होगा या नहीं होगा, हम आपको क्वेश्चन बैंक 2009 से लेके 2019 तक का हर विषय का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम का मैं आपको प्रूव्ड करा दूंगा। अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल आपको खोजना पड़ जाएगा। तो ये चैनल का नाम है सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल। आप पूरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते होंगे, गाना फिल्म एक चैनल, इसमें सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हुआ तो बाद में आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, बात को गौर कीजिएगा, यहाँ पर कारण क्या है, मेन वजह क्या है, हम मेन वजह ही बता देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मेन वजह इसमें यही है भैया कि
अक्सर क्या होते हैं, जैसे सोशल साइंस, सोशल साइंस में 7 चैप्टर है विद्यार्थी, 7 तो चैप्टर के ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूंगा सोशल साइंस में मात्र 4 ही चैप्टर पढ़ना है, 10 गो चैप्टर है, 4 ही चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसलिए आप अलबल होकर कम अंक लाते हैं, 4 ही चैप्टर पढ़िए, वही चारों से ही बोर्ड परीक्षा में आपको 80 यानी कि 30 नंबर का जो इतिहास में पूछा जाता है लगभग ऑल क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन टच करता है। अगर आप उससे भी कम पढ़ना चाहते हैं कि दो गो में एक गो हमको सही मारना है, तो आप मेरा सजेशन आपको समय पर बोर्ड एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साहिबगंज का आपको मानना पड़ेगा कि साहिबगंज का कहीं का भी स्कूल है, चाहे टीचर कुछ भी बोल ले, आपको हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको मेन वजह है कि आप ये बात जरूर गौर कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सजेशन टच करने का गारंटी है हर विषय में, और ख़ास करके मैथ और मैथ साइंस, इंग्लिश सोशल साइंस का तो यहाँ पर पूरी तरह से जादू की तरह पढ़ाया जाता है। एक बार नहीं तो आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो आपको हम बता रहे हैं वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, दिया हुआ है 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध। इसको भी हम आपको बता देते होंगे कि ये सब जो होते हैं देखने में लगता है क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये सब जो है 3 अंक के पूछे जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसको हम जब समझाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हर वीडियो किस तरह के होगा। तो प्ले लिस्ट बना होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा होने के कारण मैं आगे वीडियो की बात करता हूं। अगर आपको सजेशन की ज़रूरत है तो हमें कमेंट कर दीजिए कि कौन विषय का सजेशन पहले ज़रूरत है। अगर हम गारंटी बोलते हैं, अगर मेरा सजेशन टच नहीं किया तो जान जाइएगा कि पूरा झारखंड में किसी का भी सजेशन टच कर नहीं करेगा। अगर कर दिया तो मेरा सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। हम अभी बताने जा रहे हैं, शाम हो रहा है, ज़्यादा मैं बोलने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलना भी सही बात नहीं है। तो हम जो हकीकत है हम यही बताएं कि आप पिछले 7 वर्षों का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा टच करने का गारंटी है, और हर वर्ष का अगर आपको टॉपर का पहचानना चाहते हैं कि हर साल के टॉपर के बच्चों को हर बार आते हैं एमएलए आ जाना, यानी 200 नंबर या 300 नंबर में एमएलए साहब यानी विधायक नहीं आएंगे, हर साल विधायक द्वारा उससे सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुख्य वजह है पढ़ने का कि हर सप्ताह में एक बार टेस्ट होता है, और टेस्ट में टॉप वाले को प्राइज़ दिया जाता है, और माह में चांदी का प्राइज़ दिया जाता है। तो उसी लोभ से बच्चा यहाँ पर भयानक पूरी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ाई का एक सिलसिला होता है, तो ध्यान दें। यहाँ पर है पहला बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने बोल रहा है, ठीक है। पहला है श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 3 ओम 4 ओम दिखाई नहीं देता होगा सही से, ठीक है, दिखाई देता होगा हल्का। 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम। तो पहला हम जोड़ते हैं, पहला मान लेते हैं R1, R1 बराबर कितना है बताइए। R1 बराबर आपको दिया हुआ है 3 ओम, 3 ओम यही देख के लिखना है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए, नहीं समझिएगा तो आप एक बार हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यहाँ हम नहीं समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल समझ। R2 4 ओम यहाँ से भी समझ सकते हैं। R3 बराबर है 6 ओम। अगर ये सब कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, अगर ये बात भी आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जानिए कि पूरी तरह से ज़रूर कमज़ोर होंगे। आप एक बार ज़रूर हमसे भेंट करने की कोशिश करें, और पूरी तरह से मैं वादा करता हूँ कि आपको फर्स्ट डिवीज़न होने की पूरी संभावना है, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न तो मैट्रिक में कोई खास बात ना है, 80% 90% की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ध्यान दें, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, आपको पता ही होगा। हम आपको अगला वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन को प्रूव्ड करके बताऊंगा, जो मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन पहले इसको हम सोल्व करते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम से। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होगा R बराबर से होता है रेसिस्टेंस, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ क्या हो गया R3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 के मान कितना है, 3 जोड़ 4 जोड़ 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी सबको जोड़ दिए, यही हो गया ओम, यही हो गया पहला श्रेणी क्रम का आंसर। अब आपको पता होगा R बराबर R1 R2 R3 कहाँ से आए, तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा R1 R2 R3 प्रूव्ड कैसे होता है। तो 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हम शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, 3 प्रतिरोध है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, इसलिए 3 प्रतिरोध है, तो मैं 3 मान लिए, ठीक है। अगला है बोल रहा है पार्श्व कर्म संयोजन,
संयोजन। जब मैं पार्श्व कर्म संयोजन और श्रेणी कर्म संयोजन को पूरी तरह से जब प्रूव कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह समझाया जाता है। तो अगला वीडियो आप देखने ना भूलें, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। घंटी दबाने से आपको हर वीडियो समय पर मिल जाएंगे। तो पहला है 1/, इसका सूत्र होता है 1/R1 बराबर श्रेणी कर्म संयोजन को आपको नहीं पता चलेगा, जिस प्रकार सांप का जादू दिखाया जाता है उसी तरह जादू की तरह आप देखते देखते समझ जाइएगा, एक बार भी रिवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1/R1 हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, 1/R बराबर हो जाएगा R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। ध्यान दीजिएगा मैं बात को क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। R1 1/R1, अब बहुत सारा आप वीडियो हो गए हैं, इसमें आप सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब पूरी आपको ज़िंदगी बदल सकता है। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, R1 के मान कितना है 3 जोड़ 1/ वहाँ से लिख रहे हैं 4 जोड़ 1/ क्या हो जाएंगे 6, ठीक है। तो सभी का क्या निकालेंगे, LCM यानी लो कॉमन फैक्टर, जिसको फुल फॉर्म होता है। तो 6 4 10 3 13 यानी सभी का लघुत्तम हो जाएगा 12। तो 3 चौके कितना बार में आया, 3 चौके 4 बार में, तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 जोड़ यानी डायरेक्ट कीजिए ना, 4 के 4 12 का बार में 4 दिया तो 3, 6 के 6 12 का बार में 2 बार में, तो यहाँ पर लिख दिए 2, ठीक है। तो पूरा जोड़ते हैं 1/ ध्यान दें 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा यानी कि 4 3 7 8 9 यानी 9/12। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कोना कोनी गुना हो जाएगा, बराबर रहने पर कोना कोनी गुना और गुना रहने पर ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होता है, ये आपको पता ही होगा। तो और को पहले अंग्रेजी वाला से गुना करते हैं, और को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9R, और 12 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। तो R बराबर हो जाएंगे 12/9। कौन पढ़ा में दोनों में आता है, 3 3 9 और 3 4 12, तो यानी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और 3 4 12 यानी कि हो जाएगा R बराबर 4 ओम आंसर। अगर आप समझ गए तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हम समझ गए, अगला वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं पहले बोल चुका हूँ, ध्यान से देखिए, अगर आप जहाँ नहीं समझे हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आप पूरी तरह से समझ ही गए होंगे, देखिए अभी नहीं समझे, 3 ओम 4 ओम है ना, पूरी तरह से हम बता दिए हैं। 13 ओम अगला है, 13 ओम आंसर आया। दूसरा पार्श्व कर्म में जब हम प्रूव्ड करके बताएंगे तो आपको पूरी तरह से आसान हो जाएगा। एक ट्रिक है, वही ट्रिक से मैं बताऊंगा, 12 21 22 55 इतने सा आप याद रख लीजिए भैया, और आपको अगला वीडियो आसानी से समझ जाइएगा। उसका ट्रिक है 12 21 22 55 इतना सा रखिए, बस आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जाइएगा क्वेश्चन देखिए या नहीं देखिए, उसमें जाइए और ऑटोमेटिक आप पूरी तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं पहले एक वीडियो में बात किया था कि वर्गमूल को मैं सबसे ज़्यादा तरीका से, आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा कि वर्गमूल को 5 नियम 6 नियम 7 नियम से होता है। तो मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा, 5 या 6 7 नियम से मैं ज़रूर बताऊँगा, कम से कम 5 6 नियम से ज़रूर बता दूँगा कि वर्गमूल 5, अगर आप नहीं जानते हैं तो वर्गमूल 5 6 नियम से आपको भी सिखा देंगे, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं भी कभी भी नहीं मिलने वाला है आसान से, ठीक है। तो इस चैनल को आप बिल्कुल पूरी तरह से एक सब्सक्राइब, लाइक करें या ना करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, ना तो डिसलाइक कर दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सब्सक्राइब, लेकिन हम आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दे, आपको लाइफ बदल जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम देके आइएगा मैट्रिक का, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा या कॉल ज़रूर कीजिएगा कि नहीं कितना कितना फंसा है, एक भी क्वेश्चन मेरा सजेशन से बाहर आज तक नहीं गया है और नहीं जाता है। या फिर आपको पिछले वर्ष का हम सजेशन आपको प्रिंट आउट निकालने बोलिएगा तो प्रिंट आउट करके दे दूँगा,
और आप मिला सकते हैं क्वेश्चन के साथ कि कितना सजेशन टच किया है, ठीक है। मैथ में अक्सर यहाँ पर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी 99 नंबर से कम नहीं लाते हैं, 99, 100 या फिर पूरा जो कमज़ोर है तो 80, 95, 80, 90, 95 इसी तरह के नंबर आते हैं। इंटर में भी आपको पता होगा कि इंटर का जब इस बार मैं कोचिंग चालू किया था तो 7% रिजल्ट हुआ था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं।